केंद्र में सरकार है उसने मातई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। अब उसके कारण अनुसूचित जनजाति की जमीन वो खरीद सकते हैं या उस जमीन पर आ सकते हैं, झगड़ा ये है। और उन ईसाई मिशनरियों ने जो 90% जमीन पर वहां कब्जा करके रखा है, ऐसे मातई समाज को बेदखल करने के लिए और वहां पर दंगा कर रहे हैं। ये है धार्मिक लड़ाई। हमको चप्पे चप्पे पर लड़ना पड़ेगा। ऐसे कितने कितने कानून हैं। वक्फ बोर्ड का एक कानून बना जिसमें अभी आप लोग, उस दिन फिर से संविधान में हिंदू राष्ट्र बनेगा और कोई बात नहीं। इसलिए भाइयों बहनों,